आमेर किले का इतिहास और महल से जुड़ी रोचक जानकारी, बेहतरीन सा जानकारी देंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियोस। आमेर किले को अंबर पैलेस या अंबर किले के रूप में भी जाना जाता है। यह किला राजस्थान के आमेर में एक पहाड़ी पर स्थित है। जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर आमेर का किला पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। राजा मानसिंह द्वारा निर्मित किला, जिसे अंबर किला भी कहा जाता है, एक दर्शनीय स्थल है। यह एक आसानी से पर्वत की चोटी पर खड़ा है, जो सुंदर छोटी झील के ठीक बगल में स्थित। किले की राजसी उपस्थिति और इसके भौगोलिक लाभ इसे यात्रा करने के लिए एक विशेष स्थान बनाते हैं। किला हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। आमेर किले के महल परिसर में भीतर बहुत ही आकर्षक कमरे हैं। इस परिसर का निर्माण राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने लगभग 2 शताब्दियों में किया था। यह महल परिसर लंबे समय तक राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आमेर किला समृद्ध इतिहास से जुड़ा है, जिसमें विश्वासघात और खून खराबे शामिल है। आमेर किले का इतिहास। राजा एलन सिंह, जो मीणाओं के चंद्र वंश पर शासन करते थे, संभवतः आमेर पर पैर रखने वाले पहले राजा थे। उसने पहाड़ी के ऊपर अपना महल स्थापित किया, जिसे वर्तमान समय में आमेर किला नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने नए शहर में अपने सिद्धांतों पर शासन करना शुरू कर दिया और अपने शहर का नाम खोबोग रखा। एक दिन एक बच्चे के साथ एक बूढ़ी औरत राजा एलन सिंह के पास पहुंची। उसने अपने राज्य में शरण मांगी। राजा ने उन्हें खुले दिल से लिया और यहां तक कि उस बच्चे को भी उठाया, जिसका नाम ढोला राय था। ढोला राय को मीणा साम्राज्य की विरासत का प्रसार करने के लिए दिल्ली भेजा गया था। अपने राजा के आदेशों का पालन करने के बजाय ढोला राय अपनी खुद की एक छोटी सेना के साथ वापस आया, जिसमें राजपूत शामिल थे। राजपूतों ने फिर बिना किसी दया के संकेत के मीणाओं के समूह से संबंधित सभी लोगों को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि यह हत्याकांड दिवाली के दिन हुआ था, जब मीणा एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, जिसे पितृ तर्पण के नाम से जाना जाता था। पितृ तर्पण करते समय मीणाओं ने, प्रथा थी कि वह अपने साथ हथियार नहीं रखते थे। ढोला राय ने इस स्थिति का फायदा उठाया और खोबों को अपना बना लिया। उनके इस कृत्य को कायरतापूर्ण और तुच्छ समझा जाता था। 1600 के दशक की शुरुआत में कछवाहा घर के राजा मानसिंह ने अपने पूर्ववर्ती से गद्दी संभाली। उन्होंने तब पहाड़ी के ऊपर पहले से बने ढांचे को नष्ट करने के बाद आमेर किले का निर्माण शुरू किया। किले को राजा मानसिंह के उत्तराधिकारी जयसिंह आई द्वारा अगली 2 शताब्दियों में विकसित किया गया था। इस किले में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम सहित विभिन्न राजपूत महाराजाओं के शासनकाल के दौरान निरंतर जीर्णोद्धार और सुधार हुए थे। 16वीं शताब्दी के अंत में यह पूरा हुआ। 1727 में राजपूत के महाराजाओं ने अपनी राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिसके बाद किले की स्थिति में कोई और बदलाव नहीं हुआ। निर्माण। अंबर किले का निर्माण 1592 में शुरू किया गया था। इसे कई शासकों द्वारा नियमित अंतराल पर पुनः बनाया गया। यह सिलसिला 1600 के अंत तक जारी रहा। किले का निर्माण ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया था। हालांकि मूल रूप से यह किला राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास के रूप में रहा, इसलिए इसके बाद के संशोधनों में किले को जानबूझकर एक भव्य महल की तरह बनाया गया था। एक और महल भी है, जिसका निर्माण आमेर किले के निर्माण से पहले किया गया था। पुराना महल किले के पीछे एक घाटी पर स्थित है। यह महल भारत के सबसे पुराने महलों में से एक है। आमेर किले की संरचना। 4 अलग-अलग खंड किले या महल बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। प्रत्येक खंड का अपना द्वार और आंगन है। पहला द्वार, जो मुख्य द्वार भी है, सूरज पोल या सूर्य द्वार कहा जाता है। गेट का मुख पूर्व की ओर है, जो हर सुबह सूर्योदय का साक्षी होता है और इसलिए यह नाम है। यह द्वार जलेबी चौक नाम के पहले प्रांगण की ओर जाता है। जब उस स्थान पर राजपूतों का शासन था, तब भी सैनिक इस विशाल प्रांगण में अपनी जीत का जश्न मनाते थे। यह एक दृश्य जनता के लिए उपहार समान था और अक्सर महिलाओं द्वारा खिड़कियों के माध्यम से देखा जाता था। चूंकि शाही गणमान्य व्यक्ति सूर्य द्वार से प्रवेश करते थे, इसलिए इस स्थान पर भारी सुरक्षा थी। किला परिसर के सामने का आंगन शानदार दीवाने आम के खंभे वाले हॉल और गणेश पोल के 2 स्तरीय चित्रित द्वार से सुशोभित है। आमेर किले का प्रवेश द्वार दिलयामार गार्डन से है, जिसे पारंपरिक मुगल शैली में बनाया गया है। सीढ़ियों की एक प्रभावशाली उड़ान दीवाने आम
सार्वजनिक दर्शकों का हॉल तक ले जाती है, जिसमें जालीदार गैलरी और स्तंभों की दोहरी पंक्ति होती है, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष पर हाथियों के आकार की राजधानी होती है। यह हॉल दूसरे आंगन में रखा गया है। दाईं ओर वे कदम है जो देवी सिला देवी के एक छोटे से मंदिर तक जाते हैं। मंदिर में चांदी से बने विशाल दरवाजे हैं। आज के लिए बस इतना। हाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।